खबर मुंगावली से। सांसद गुना डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव ने शक्ति केंद्रों पर किया जनसंवाद। गुना सांसद केपी यादव ने आज लाव लस्कर के साथ सांसद शक्ति केंद्र यात्रा की शुरुआत की। इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है सीधा जनता से संवाद करना और जमीन से जुड़ी हर छोटी बड़ी समस्या को समझना और उसका निराकरण करना। आज यह यात्रा की शुरुआत तो हथईखेड़ा से हुई, जिसका अगला पड़ाव करीला माता स्थान पहुंचा। सांसद केपी यादव ने माँ जानकी का आशीर्वाद लिया और लोगों की समस्याओं को जाना। इस मौके पर गौशाला और तालाब जैसी बड़ी समस्या सामने आई, जिसका निराकरण सांसद ने मौके पर ही किया। इसके अलावा सांसद ने आस्था के केंद्र पर धर्मशाला निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान चयनित किया, जिससे भविष्य में इस स्थान को और बल मिलना तय है। इस मौके पर भाजपा के कद्दावर नेताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। सांसद प्रतिनिधि रंजीत राजपूत और धनपाल सिंह, राजेश यादव, उत्तम यादव के अलावा जिले के शीर्ष नेता साथ में उपस्थित रहे। तो सांसद मुंगावली एसडीएम रवि मालवी, बहादुरपुर तहसीलदार और पटवारी पत्रकार मौजूद रहे, जिनके साथ सांसद ने सहभोज भी किया। आज फिर मीडिया ने नरखेड़ा प्रतीक्षालय पर पूर्व सचिव द्वारा नाम और नंबर लिखे जाने की बात सांसद से की, जिस पर उन्होंने जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। यह दौरा हथईखेड़ा, करीला, बंगला, चौराहा, घाट, बमुरिया, बिलहरू, बाबरोद होकर मुंगावली में रात्रि विश्राम पर रुकेगा। भारतीय जनता पार्टी सौभाग्य का विषय है और इस भारत में किस बल में करीला धाम में आप सब लोग पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। आज भारतीय जनता पार्टी संगठन की शक्ति केंद्र का आयोजन का कोई मुख्य कारण था जिस वजह से ये सारी जगह रखा गया तहसील में? देखिए, जब जब संसद का सत्र चलता है तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी सभी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा सभी सांसदों की हर मंगलवार को मीटिंग लेते हैं। तो इस बार जो सत्र चला था तो जब हर मंगलवार वो मीटिंग लेते ही हैं, तो एक बार उनका इस तरह से उन्होंने निर्देशित किया था सभी से और सभी सांसदों को आग्रह किया था कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ जाकर अपने शक्ति केंद्र तक के जो दायित्वान कार्यकर्ता हैं और जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ चर्चा करें, उनके साथ बैठें। और वैसे भी यहाँ प्रदेश का भी ये शक्ति केंद्र को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, इसके लिए हमारे अभियान लगातार चलते रहते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि एक एक शक्ति केंद्र तक का जनप्रतिनिधि जाएँ, चाहे सांसद हों चाहे विधायक हों, जाके वहाँ हमारे जो दायित्वान कार्यकर्ता हैं उनके साथ संपर्क करें, उनसे उस क्षेत्र के बारे में चर्चा करें कि ऐसे कौन से सार्वजनिक काम हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं, क्या उन क्षेत्रों में, क्योंकि जनता के आशीर्वाद से आज केंद्र में भी हमारी सरकार है और प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो जितना जनता के लिए जितनी जनहितैषी जन कल्याणकारी योजनाएँ सरकारों की चल रही हैं, चाहे केंद्र की हो प्रदेश की हो, उनका ठीक से लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उन योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर कोई काम ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हो पाए हैं तो उन कामों को करने के लिए हम आगे आए। आपके जो भाजपा से कार्यकर्ता हैं, छोटी छोटी मांगें देखी गई कि उद्योग से लेके या रोजगार से लेके कई चीज़ें अभी भी अछूती हैं, तो क्या उन पे अभी कुछ होने वाला है, कुछ आने वाले? बिल्कुल निश्चित, ये रेगुलर प्रोसेस है और ये चलती रहती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमेशा ये प्रयास करती हैं कि लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, तो उनको खुद के उनके रोजगार चालू हों, वो खुद अपने उद्योग लगाएं और कैसे अन्य लोगों को और वो रोजगार उपलब्ध करा सकें, इस पर निरंतर प्रयास चलता रहे। मुंगावली में उद्योग के लिए बड़ी मांग उठी थी, आपने पिछला चुनाव जब लड़ा था तो बताया था कि रोजगार के लिए उद्योग भी लगाए जाएंगे। देखिए, मुंगावली में आप और हम सभी जानते हैं कि इन पिछले 3-4 सालों में जो कार्य हुए हैं वो पिछले 60-65 सालों में भी नहीं हुए थे, और ये तो खैर हर जगह के लिए ही है, अनेकों अनेक योजनाएं चली हैं और हर क्षेत्र में काम हो रहा है, और मुंगावली में भी मुझे लगता है जितने मुंगावली विधानसभा में विशेषकर काम हुए हैं सरकार द्वारा, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा, उतने शायद कभी नहीं हुए थे, जितनी उम्मीद ही नहीं की थी कि मुंगावली का भी मिनी स्मार्ट सिटी बन सकती है, इवन उसके भी बहुत अच्छे कार्य। सांसद जी, एक लास्ट क्वेश्चन और है मेरा कि अभी नरखेड़ा पंचायत में आप जाएंगे, प्रतीक्षालय बना हुआ है, प्रतीक्षालय पे वहाँ के पूर्व सचिव ने दबंगाई से अपना नाम लिखवा लिया और नंबर भी मेंशन करा लिया। अभी नरखेड़ा पंचायत में आप जाएंगे, प्रतीक्षालय बना हुआ है, प्रतीक्षालय पे वहाँ के पूर्व सचिव ने दबंगाई से अपना नाम लिखवा लिया और नंबर भी मेंशन करा लिया, क्या आदिवासियों के साथ भाजपा नहीं है?
आदिवासी सरपंच है तो आदिवासी सरपंच का नाम और नंबर मेंशन नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और अगर ऐसी कोई बात मेरे सामने आएगी तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। और उस क्षेत्र के लिए तो बहुत बड़ी सौगात मिली है, वहाँ से जो है गाडुमुरिया से लेकर मलारगढ़ तक के लिए बहुत चौड़ी रोड, बड़ी अच्छी रोड बनी है जो उस क्षेत्र के लिए लाइफ लाइन का काम करेगी। खबर भारतवर्ष के लिए मुंगावली से राजीव राय की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।